में एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित किया गया जिसमें आप जिला अध्यक्ष जय हिंद गौतम जी हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस कैडर के माध्यम से? साथियों, सबसे पहले जय भीम। जैसा कि प्रथम चरण का कैडर कैंप हर विधानसभा में हुआ, पांचों विधानसभा में हुआ, चढ़ बढ़ करके कार्यकर्ताओं ने भाग लिए और जो भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं केवल उन्हीं का ये कैडर कैंप था, एक दिवसीय कैडर कैंप था। और प्रथम चरण का कैडर कैंप पांचों विधानसभा का समाप्त हो गया है, दूसरे चरण का कैडर कैंप चल रहा है। आज ये एक दिवसीय कैडर कैंप बस्ती सदर में था जिसके मुख्य अतिथि माननीय भगवान दास साहब थे, मुख्य सचिव प्रभारी विशेष अतिथि कल्पनाथ बाबू जी थे और अध्यक्षता श्री नरेंद्र सिंह एडवोकेट जी नरेंद्र सिंह जी कर रहे थे और मैं जिला अध्यक्ष संचालन कर रहा था। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से कार्यकर्ता हमारे मान्या बहन जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हर बिंदु वार काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के काम की समीक्षा भी किया जा रहा है और उनको कैडर दिया भी जा रहा है। उसके बाद से हम लोग हर विधानसभा में जा करके अपने पदाधिकारियों से मिलेंगे और जो भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो भी हमको तैयारी करनी है वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित तौर से मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है जो हमारे कार्यकर्ता संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा लगता है, मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता।